हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है जेलसीमियम। और इस मेडिसिन के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, काफ़ी धड़ल्ले से ये यूज होती है कुछ खास कंडीशन में। तो इस वीडियो के माध्यम से इस मेडिसिन को हम डिटेल में जानेंगे, इसके अंदर क्या क्या एल्कलॉइडल प्रॉपर्टी है जिसके कारण आगे जितने जो सिम्टम देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ कुछ खास लक्षण एंड ऑफ विंटर में इसके सिम्टम क्यों उभर के सामने आते हैं, ये कुछ तथ्य जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जेलसीमियम जो कि एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, और इसके सिम्टम एंड ऑफ विंटर में इसलिए ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि इसका जो कॉमन नेम येलो जैस्मिन, यानी कि ये जो फ्लावर है ये खासकर एंड ऑफ विंटर के टाइम में ही ग्रो करता है। इसलिए मार्च 5 के लास्ट में इसके सिम्टम काफ़ी ज़्यादा पेशेंट में देखने को मिलते हैं। ये एक हर्बल के रूप में पहले के ज़माने में भी यूज़ किया जाता था, खासकर कुछ खास कंडीशन जैसे कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन, ये कुछ खास कंडीशन थे जिसमें इसका यूज़ धड़ल्ले से होता था, खासकर मीजल्स में, ईयर एक में, डिसमिनोडिया में, हेडेक में, मसल स्पाज में, और उसके साथ साथ एनेक्जाइटी जैसे केसेस में इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा पहले होता था। इस प्लांट की एक सबसे निगेटिव पॉइंट ये है कि इसके जितने पार्ट होते हैं हर एक पार्ट पॉइजनस होते हैं, यानी कि अगर इसको खा लिया जाए तो वो व्यक्ति मर सकता है। इस प्लांट के अंदर जो मुख्य एल्कलॉइड पाए जाते हैं जिसके कारण आगे इसके इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि जितने हम सिम्टम देखते हैं वो इसके एक्टिव एल्कलॉइडल प्रॉपर्टी के कारण ही देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इसमें जो एल्कलॉइड है वो स्ट्रिकनिन। एस्ट्रिकनिन का नाम आपने नक्स भूमिका जब आप पढ़ते हैं उसमें भी इस एल्कलॉइड के बारे में आपने सुना होगा। दूसरा जो एल्कलॉइड है जेलसेमीन, ये भी जो कॉमन एल्कलॉइड है जो कि इसमें पाया जाता है। और तीसरा जो एल्कलॉइड है जेलसेमिनिन, ये तीसरा एल्कलॉइड जो कि जेलसेमियम प्लांट में पाया जाता है। खासकर जो एस्ट्रिकनिन जो एक ऐसा एल्कलॉइड है, इसका प्रयोग अभी के समय में और पहले के समय में भी जितने जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वाइल्ड एनिमल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। और ख़ासकर अभी के टाइम में जितने जो पेस्टिसाइड बनते हैं चूहों को मारने के लिए उसमें भी एस्ट्रिकनिन का प्रयोग होता है। अब ये जानते हैं कि ये एस्ट्रिकनिन करता क्या है। हमारा जितना मसल होता है, बॉडी के जितने मसल होते हैं, मसल के फंक्शन को रेगुलेट कराने में हाथ होता है नर्व का, और उस नर्व को रेगुलेट करने में, उस नर्व सिग्नल को रेगुलेट करने में हाथ होता है केमिकल का। बॉडी में ढेरों केमिकल होते हैं जो कि डिफरेंट सिग्नल को रेगुलेट करते हैं। जो केमिकल मसल के फंक्शन में जो नर्व इन्वॉल्व होते हैं उसको रेगुलेट करता है, उस केमिकल को ही एस्ट्रिकनिन जो होता है वो प्रिवेंट करता है, यानी कि उसको वो रोकने का काम करता है। उस केमिकल को ये बोल सकते हैं उस केमिकल को डैमेज करता है, उसके प्रोडक्शन को डाउन करता है। अब इससे होगा क्या, वहाँ पे मसल स्पाज्म डेवलप होगा। मसल स्पाज्म होता क्या है कि मसल का इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, जिसको आम भाषा में क्रैम्प बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ऐठन महसूस हो रही है, ये सिम्टम खासकर पेशेंट क्लिनिक में लेके आते हैं। और ये मसल जो स्पाज्म यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ये कॉन्शियस अवस्था में पेशेंट को डेवलप होता है और उनको पता नहीं चलता, बट यही अगर एक्सट्रीम लेवल में चला जाता है तो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन लेके हमारे पास आते हैं। और एस्ट्रिकनिन एक ऐसा एल्कलॉइड है जो कि इस एक्सट्रीम लेवल पे ये रेस्पिरेटरी अरेस्ट करके और पेशेंट को डेथ कंडीशन में भी ले जा सकता है। एस्ट्रिकनिन इन्वायरमेंट के माध्यम से, दूषित भोजन के माध्यम से भी हमारे बॉडी में जाता है, बट वो न्यूट्रलाइज होता है, लेकिन वही अगर एक्सेस हो जाता है तो ये हमारे बॉडी पे सिम्टम के रूप में उभरना शुरू हो जाता है। और दूसरे जो एल्कलॉइड थे जेलसीमिन और जेलसीमिनिन, इनका भी काम होता है कि पैरालिसिस डेवलप करना। इसलिए जब भी जेलसीमियम की बात आती है तो डॉक्टर एस के दुबे ने इसको बोला भी था किंग ऑफ पोलियो, क्योंकि पोलियो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पैरालिसिस डेवलप होता है, उसके आप अन्य सिम्टम को यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर दुबे ने इसको किंग ऑफ पोलियो भी कहा। और पैरालिसिस की खास दवा है जेलसीमियम। वो क्यों ये सब डेवलप हो रहा है, ये सिम्टम क्यों डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसी एल्कलॉइडल प्रॉपर्टी है जो कि ऐसा कंडीशन डेवलप कराने में
बॉडी की हेल्प कर रही है। जब आप इस मेडिसिन के स्पेल ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलता है कि इस मेडिसिन का एक्शन ब्रेन पे, स्पाइनल कॉर्ड पे, ऑक्सीपोड पे, आई पे, विजन पे, मोटर नर्व सिस्टम पे, ये कुछ खास ऐसे सेक्सुअल ऑर्गन पे इसका एक्शन देखने को मिलता है। यहाँ एक पॉइंट आता है मोटर नर्वस सिस्टम। अब मोटर नर्वस सिस्टम को अगर हम समझ लेते हैं तो इस मेडिसिन का लगभग पिक्चर हमें क्लियर हो जाता है। क्यों आगे जो कुछ सिम्टम आपको जैसे में देखने को मिलता है जैसे पैरालिटिक ट्रेमर जैसी कंडीशन, ये क्यों डेवलप होता है, ये अगर मोटर नर्वस सिस्टम को समझ लेंगे तो इससे ये क्लियर हो जाएगा। आते हैं मोटर नर्वस सिस्टम पे। अब मोटर नर्वस सिस्टम करता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स क्रिएट कराता है। वो इम्पल्स इसलिए क्रिएट कराता है ताकि इफेक्टर यानी कि डिफरेंट फंक्शन रेगुलेट हो सके। वो फंक्शन क्या होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक यानी कि जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, जो हमारे अंदर के जितने ऑर्गन हैं, हॉलो ऑर्गन बोल सकते हैं, जितना हमारा स्टोमिक है, इंटेस्टाइन है या हर्ट है, हमारा रेस्पायरेटरी जो ऑर्गन है, ये जितने जो रेगुलेट हो रहे हैं वो इनवॉलेंट्री उसका फंक्शन चल रहा है। जितने ग्लैंड्स हैं उनका जो फंक्शन हो रहा है। और जो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारी इच्छा से होता है, जिसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री, यानी कि जो मेरे अभी हैंड का फंक्शन हो रहा है ये मेरी इच्छा से हो रहा है, ये मेरा वॉलेंट्री मूवमेंट है। तो मोटर का काम क्या होता है कि इस ऑटोनॉमिक और सोमेटिक दोनों को रेगुलेट करता है। तो अगर मोटर नर्वस सिस्टम डिफेक्ट आएगा, उसमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो दोनों लेवल पे यहाँ पे परेशानी डेवलप हो सकती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से जेलसीमियम का इफेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। सबसे जो पहला सिम्टम है एंटीसिपेटरी एनेक्जाइटी। एंटीसिपेशन और एनेक्जाइटी के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि जितने मेरे प्रीवियस वीडियो हैं पैनिक अटैक का जो सीरीज चल रहा था उसमें जो जिस मेडिसिन की मैंने चर्चा की थी एकोनाइट और अर्जेंटम नाइट्रिकम, उसमें एंटीसिपेशन और एनेक्जाइटी आपने काफ़ी ज़्यादा देखा। वैसे ही जेलसीमियम भी जो मेडिसिन है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है एंटीसिपेटरी फियर, एंटीसिपेटरी एनेक्जाइटी की केसेस में। जेलसीमियम में जितने मेंटल सिम्टम है उस पर मैं कोशिश करूँगा एक सेपरेट वीडियो तैयार करने का, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मैं उसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आते हैं नेक्स्ट सिम्टम पे। इस पेशेंट को भी फियर होता है कि उसका उसके ऊपर कंट्रोल वो खो देगा। ये सिम्टम भी काफ़ी प्रोमिनेंसी के साथ देखने को मिलते हैं जेलसीमियम मेडिसिन में। और तीसरा जो यहाँ पे सिम्टम जो कि खास है, और ये सिम्टम जानने के बाद आपको बहुत सारे सिम्टम यहाँ से रिलेट हो जाएंगे, जो पार्टिकुलर एनेक्जाइटी जो डेवलप हो रही है पेशेंट में, वो पार्टिकुलर एनेक्जाइटी के कारण पेशेंट का होल नर्वस सिस्टम उससे अफेक्ट हो जाता है, होल नर्वस सिस्टम उससे प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण जो सिम्टम देखने को मिलते हैं डिजनेस, डलनेस और ड्रॉजीनेस। ये तीन प्रमुख सिम्टम जो कि इस मेडिसिन को दूसरे मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट करने का काम करती है, जो कि जेलसीमियम के प्रमुख लक्षण हैं। तो डिजनेस जो कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है जनरलाइज लेवल पे। दूसरा जो सिम्टम है नोजिया, मिचली आना, ये भी काफ़ी प्रोमिनेंसी के साथ देखने को मिलता है इस पेशेंट में। थर्ड जो सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलता है वीकनेस भी काफ़ी प्रोमिनेंसी के साथ आपको जेलसीमियम मेडिसिन में देखने को मिलता है। और जो फोर्थ जो यहाँ पे सिम्टम है फेंटिंग, ऐसा लगता है पेशेंट मूर्छित होकर गिर जाएगा, ये भी काफ़ी प्रोमिनेंसी के साथ इस मेडिसिन में देखा जाता है। ट्रेम्बलिंग, पूरे बॉडी में कंपन डेवलप होना, ये भी काफ़ी प्रोमिनेंट लक्षण है इस मेडिसिन के। नेक्स्ट जो लक्षण है हेडेक भी में भी कुछ खास लक्षण है जो कि आगे मैं रिलेट करूँगा, हेडेक भी खास इस मेडिसिन में देखने को मिलता है। एग्जॉशन फिजिकली और मेंटली दोनों इसमें देखने को मिलता है जेलसीमियम के पेशेंट में, और ख़ासकर मेंटल लेवल पे एग्जॉशन काफ़ी ज़्यादा आपको क्लिनिकल लेवल पे पेशेंट में आप इसको देख सकते हैं। कुछ जो अन्य कंडीशन है जहाँ पे ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है वो है इन्फ्लुएंजा। फ्लू के केसेस में जेलसीमियम के इफेक्ट आपने इसको महसूस भी किया होगा, क्लिनिकल लेवल पे आपने इसको ट्राई भी किया होगा, तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है इन्फ्लुएंजा के केसेस में। और इन्फ्लुएंजा के बाद की भी कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म करने में जेलसीमियम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। तीसरा जो यहाँ पे कंडीशन है वह गुलियन बार सिंड्रोम। गुलियन बार सिंड्रोम एक ऐसा कंडीशन है जिसमें होता क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो नर्व को ही डैमेज करना शुरू करता है।
अब नर्व डैमेज होगा तो सारे सिग्नल भी डैमेज होने शुरू होंगे और बॉडी का फंक्शन यहाँ पे प्रभावित होगा। तो और खासकर जो यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलते हैं, वीकनेस जो कि स्टार्ट होता है लोअर लिम्ब से और वो अपर एक्सट्रीमिटीज तक आ जाता है, उसके साथ नंबनेस, पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं कि बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, अपर एक्सट्रीमिटीज़ में भी ऐसा फील हो रहा है, उसके साथ वहाँ पे सुन्नपन डेवलप हो रहा है और यही एक्सट्रीम लेवल पे जब जाके यहाँ पे पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। गुलियर बार सिंड्रोम में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है जेलसीमियम। और तीसरा जो कंडीशन है टोसिस, टोसिस का मतलब क्या होता है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, आईलिड का ड्रॉप हो जाना। तो माइल्ड केसेस में, मॉडरेट में और सीवियर केसेस में भी जेलसीमियम के काफ़ी अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं टोसिस के कंडीशन में। नेक्स्ट जो यहाँ पे इंडिकेशन है निस्टैग्मस, निस्टैग्मस का मतलब होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ आई, या तो वो हॉरिजेंटल हो, वर्टिकल हो या राउंड हो, अगर ऐसे मूवमेंट डेवलप हो रहे हैं उस कंडीशन में भी जेलसीमियम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। नेक्स्ट जो यहाँ पे इंडिकेशन है वो है प्री सिंकोप। सिंकोप क्या होता है, पेशेंट मूर्छित होकर गिर गया, फेंट होकर गिर गया, फिर वो कॉन्शियस अवस्था में आया, उसको हम बोलते हैं सिंकोप। प्री सिंकोप में ऐसा पेशेंट को फील होता है कि मैं अभी गिर जाऊंगा, बेहोश होकर गिर जाऊंगा, इस कंडीशन में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे कंडीशन है डायरिया, और ख़ासकर जो नर्वस डायरिया, जो मानसिक रिलेटेड जो डायरिया होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है जेलसीमियम मेडिसिन। नेक्स्ट जो यहाँ पे कंडीशन है एनेक्सियस ब्लैडर, एनेक्सियस ब्लैडर का मतलब होता है सडन नीड टू यूरिनेट, पेशेंट को यूरिन के लिए जाना ही पड़ेगा, ऐसे भी जो खास कंडीशन जेलसीमियम में देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट जो यहाँ पे कंडीशन है पोस्ट स्ट्रोक सिंड्रोम, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, स्ट्रोक में होता है क्या है कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई प्रॉपर उससे नहीं होती है तो ब्रेन के पार्ट डैमेज हो जाते हैं, तो पोस्ट स्ट्रोक सिंड्रोम ऐसा अगर डैमेज हो चुका है उसके बाद के कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म करने में भी जेलसीमियम के काफ़ी ज़्यादा अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ थे डिजीज़ कंडीशन, डिजीज़ कंडीशन के बेसिस पे हम मेडिसिन नहीं दे सकते, कुछ अन्य वहाँ पे सिम्टम भी रिलेट होने चाहिए उस मेडिसिन के, तब हम इस मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं इस मेडिसिन के खास कैरेक्टरिस्टिक लक्षण जो कि इस मेडिसिन को सिलेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। सबसे जो पहला लक्षण है ओवर पावरिंग वीकनेस ऑफ मसल, मसल वीकनेस जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट है और इस मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा खास देखने को मिलता है मसल वीकनेस। उसका जो कारण था मैंने आपको बताया था पहले, मोटर नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है जिसके कारण ये सारी समस्या यहाँ पे डेवलप हो रही है। तो मसल वीक होना जो सबसे प्रोमिनेंट लक्षण है इस मेडिसिन में देखने को मिलता है। दूसरा जो लक्षण है पैरालिसिस एसोसिएटेड विथ ट्रैम्बलिंग, पैरालिसिस की कंडीशन, पैरालिसिस में क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो जिस पार्ट पे पैरालिसिस अटैक होता है उसका फंक्शन प्रभावित हो जाता है, उसके साथ अगर पेशेंट में ट्रैम्बलिंग डेवलप हो तो उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। और तीसरा जो कंडीशन है वर्टिगो, चक्कर आना, सड़ भारी होना, सर में दर्द होना, ये काफ़ी प्रोमिनेंट लक्षण है जेलसीमियम में देखने को मिलता है। और ख़ासकर जो इसका जो हेडेक की समस्या है, हेडेक सर दर्द स्टार्ट होने से पहले इस जो पेशेंट का जो विजन होता है वो डीम हो जाता है, उसको धुंधला देखने लगता है, ये काफ़ी प्रोमिनेंट लक्षण है जो कि इस मेडिसिन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, प्यास नहीं लगना जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट लक्षण है जो कि इस मेडिसिन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे लक्षण है पेनलेस डायरिया एसोसिएटेड विथ वीकनेस, पेनलेस डायरिया जो कि आपको पोडोफाइलम में भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो पहले बात किया था जो डायरिया है वो नर्वस डायरिया है, नर्वस रिलेटेड डायरिया में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है जेलसीमियम, और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अगर कमजोरी डेवलप हो रही है तो ऐसे केसेस में इस मेडिसिन को हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिकेशन है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी कि यूरिन को वो रोक नहीं सकता, उसको अर्जिंग जब आती है तो जाना ही पड़ता है, ऐसे केसेस में भी आप इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिकेशन है वीकनेस ऑफ द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स का वीक हो जाना, इसके कारण सिम्टम क्या क्या डेवलप होगा कि बोलने में दिक्कत आएगी, पेशेंट बोल नहीं पाएगा, या ये भी हो सकता है कि उसकी आवाज़ें भी जा सकती हैं, ऐसे केसेस में भी हम इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम है ओवर पावरिंग स्लिपनेस, पेशेंट को हमेशा लगता है कि वो सोया रहे, हमेशा एक जगह पड़ा रहे, सोया रहे, ये काफ़ी जो खास लक्षण है जो कि जेलसीमियम को डिफ्रेंशिएट करता है, क्योंकि जो ड्रॉजनेस जो कंडीशन, जो तीसरा जो कंडीशन है ड्रॉजनेस, वो यहाँ पे इस सिम्टम से रिलेट करता है, हमेशा पेशेंट सोया हुआ रहना चाहता है, हमेशा वो आराम से पड़ा हुआ रहना चाहता है।
नेक्स्ट यहाँ पे जो लक्षण है चिलनेस स्पेशली इन द स्पाइन और ऑक्सीपुट, जो चिल जो स्टार्ट होता है वो स्पाइन से और ऑक्सीपुट से। और प्रैक्टिकली जब क्लिनिक की बात करेंगे तो पेशेंट को जो चिल स्टार्ट होता है वो हाथ से स्टार्ट होता है, देन वो पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है। ये कुछ खास जो लक्षण थे जो कि जैसेमियम के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। कुछ जो रिसर्च कंडक्ट हुए होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये साबित करते हैं कि स्मिटन का एक्शन एंग्जायटी को कम करने में, वैसे जीन को एक्टिवेट करने में जो कि नर्व के फंक्शन को रेगुलेट करें, तो रिसर्च भी ये साबित करता है कि स्मिटन में जितने जो लक्षण लिखे हुए हैं वो वेरीफाइड हैं और प्रैक्टिकली जब इसका प्रयोग किया जाता है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका जो भी सलूशन होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मैं जो भी इस तरह के वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।